Hey guys, welcome back again on channel। दुनिया में चीजों को उठाने या कहीं ले जाने के लिए हाथों का इस्तेमाल हम करते हैं, वहीं आपको ये काम कंप्यूटर पर करने के लिए माउस की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन पर किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या किसी भी आइकन पर क्लिक करने के लिए हम माउस की मदद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर कंप्यूटर के इतने इंपॉर्टेंट डिवाइस का नाम एक छोटे से जानवर चूहे पर क्यों रखा गया? आइए आज जानते हैं इसका नाम माउस क्यों पड़ा और इसके इन्वेंशन के पीछे किसका हाथ है और कुछ उसके मजेदार फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। जैसे कि आप जानते होंगे कि माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। माउस के जरिए हम फोल्डर, गेम, फाइल, इंटरनेट जैसी चीजों को ओपन करते हैं। माउस का यूज हम सभी टाइप के कंप्यूटर में करते हैं और इसे कहीं पर भी रखकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस छोटे से माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था। वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे और उस समय डगलस स्टैनफोर्ड रिसर्च संस्था में काम कर रहे थे। डगलस कार्ल एंजलबर्ट का जन्म 30 जनवरी 1925 में पोलैंड के ओरेगन नाम की जगह पर हुआ था। जब माउस का आविष्कार हुआ तो उस समय इसका नाम पॉइंटर डिवाइस रखा गया था। सबसे बड़ी बात और हैरान करने वाली बात यह है कि डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने दुनिया का पहला माउस लकड़ी का बनाया था, साथ ही इसमें धातु यानी कि मेटल के दो पहिए लगे थे। जब माउस का आविष्कार हुआ तो उसके बाद इसके नामकरण की बात आई, लेकिन डिजाइन के आधार पर देखा गया कि माउस एक छोटा सा डिवाइस है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक चूहा दुबक कर बैठा है। साथ ही उसके पीछे निकलने वाला वायर एकदम चूहे की पूंछ जैसा था। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही चूहा फुर्ती से सारा काम करता है उसी तरह से माउस भी सारे काम करता था। आपको पता है इसका नाम माउस और पॉइंटर डिवाइस के अलावा टर्टल भी रखा जा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का इस डिवाइस का सेल भी कछुए की तरह ही हार्ड होता है और ये शेप भी कुछ मिलता जुलता है इस, लेकिन कछुए की रफ्तार काफी कम होती है, इसलिए इसका नाम आखिर में माउस ही रखा गया। जिस समय मिस्टर डगलस ने माउस का इन्वेंट किया था उस समय कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों के बराबर होते थे और इसमें पंच कार्ड के जरिए डेटा भरा जाता था। माउस का आविष्कार 1960 में हुआ था और 21 जून 1967 को डगलस ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया और 17 नवंबर 1970 को उनको माउस के लिए पेटेंट मिल गया। जब डगलस ने माउस का इन्वेंट किया था उस वक्त माउस लकड़ी का हुआ करता था। माउस का मतलब सिर्फ चूहा मत समझ लेना, माउस का एक फुल फॉर्म भी है। माउस का फुल फॉर्म है मैनुअल ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट होता है, जिसे हिंदी में स्वचालित रूप से संचालित उपयोगकर्ता चयन उपकरण कहते हैं। देखा, मेरी हिंदी अंग्रेजी से अच्छी है, तो अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। समय के साथ साथ माउस की टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव हुए हैं। हर पुरानी चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव हुए है जिसमें हमारा काम पहले से और आसान होता चला गया। आज मार्केट में वायरलेस माउस आ गए हैं जो ब्लूटूथ से लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। माउस के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले अगर आपने अभी तक होमस्टे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि होमस्टे के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। माउस का पहला फैक्ट, 1991 में लॉजिटेक ने दुनिया का पहला वायरलेस माउस पेश किया था जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये फैक्ट पता था कि नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। माउस का दूसरा फैक्ट, माउस की स्पीड को मिकी यूनिट में गिना जाता है। एक मिकी यूनिट एक इंच का 200वां हिस्सा होता है, तो हो गया ना मिकी माउस। माउस का तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि आप अपने कंप्यूटर डेस्क पर बैठकर कैलोरी बर्न कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा ही अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है, आप माउस पर क्लिक करके कैलोरी बर्न कर सकते हैं। एक जैपनीज स्टडी में यह साबित किया गया है कि औसतन 1.42 कैलोरी बर्न कर सकते हो आप पर क्लिक ऑन एवरेज। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टे के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।